विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वही वचन पत्र में पत्रकारों के लिए भी विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं की। इसको लेकर ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस का वचन पत्र महापौर सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जारी किया। इसके साथ ही किसानों को गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए देने की बात की गई। युवाओं के लिए 2,00,000 रिक्त पद भरने की बात की है, तो वहीं महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाने की घोषणा की। ये मैंने अपनी ओर से कभी किसी से संबंध खत्म नहीं किए, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया। अब सीधे सीधे अब मामला है चुनाव का, तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, सुरेश राजे कांग्रेस से प्रत्याशी है, दोनों आमने सामने हैं और आपको 2020 से भी और बेहतर चुनाव देखने को मिलेगा। जिनको चुनाव से डर लगता है वो इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं। न मेरी पार्टी और न सुरेश राजे इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने वचन पत्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा और हमारी कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है। हम अपने सारे के सारे वचन 5 साल के अंदर पूरे करेंगे, भय मुक्त होकर के करेंगे। केंद्र सरकार भी 24 में बदलेगी और एक चीज तय है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस वर्तमान की शिवराज सरकार ने किया है, अगर हम उस भ्रष्टाचार को ही पे ही काबू कर देंगे तो 50% हमारे पास बजट का एलोकेशन पहले से अपने आप दुगना हो जाएगा।